बड़ी खबर आ रही है कि परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है 15 फरवरी से, वो है 15 फरवरी से 21 मार्च तक। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। आप सभी को बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ी अहम घोषणा कर दी है दोस्तों। आप सभी को बता दें, इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसमें 10वीं और 12वीं के करोड़ों छात्र भाग लेने वाले हैं। आप सभी को बता दें, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कर्नाटक, गुजरात, किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थियों, सबके लिए बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है। इस बार आपका पेपर कैसा बनेगा, जी हाँ, आप सबको एक एक चीज बताएंगे। आप सभी छात्रों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज घोषित कर दी गई है। आप सभी को बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों के एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले ये छात्र छात्राओं को नियम जान लेना होगा, नहीं तो छात्र छात्राओं के 10% नंबर काट लिए जाएंगे। आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के कितने % छात्र छात्राओं को दिया जाएगा और कितने % छात्र छात्राओं को फेल किया जाएगा। इसी के साथ छात्र छात्राओं को यह भी पता चलने वाला है कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार आप सभी पेपर देने वाले होंगे और सेंटर में कितने विद्यार्थी पेपर दे पाएंगे, वह आप सबका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, आपकी कॉपियां किस प्रकार जांची जाएंगी, इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी 10वीं और 12वीं की आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आज जरूर सेट कर ले, साथ ही सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके बोर्ड से जुड़ी जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को ये बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पर आप कैसे टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, आप सबको यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले आपको मुख्य अपडेट दे दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अगर आप एग्जाम सेंटर में प्रवेश करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड व एडमिट कार्ड दोनों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं में आप काफी कम समय शेष रह गया। फरवरी महीने में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसमें एमपी और बिहार की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित कराने के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं 15 फरवरी की डेट भी निकल के सामने आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षा में सरकार काफी सख्त है और सरकार ने नकल को रोकने के लिए भी एंटी चीटिंग प्लान बनाकर तैयार कर लिया, जिसके तहत जिलेवार नकल को रोकने का काम किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सख्त गाइडलाइंस भी जारी की। चाहे आप यूपी बोर्ड से संबंधित हो, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके शेड्यूल आसानी से चेक व डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।